हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स अभी आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, वो रिजल्ट्स अभी तक ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं। जब आप लोग अपना रोल नंबर दे रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहे, आखिर क्या रीजन है और कब तक आपके रिजल्ट शो होंगे, आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं गाइस। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे ये होगा कि हमारे आने वाली और भी सही वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप अपडेट होते रहेंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट अभी अपलोड हुए हैं लाइक बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर के, तो ये रिजल्ट जो है नहीं ओपन हो रहे हैं। यानी कि जब आप लोग रोल नंबर डाले हैं तो आपके रिजल्ट जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं। और भी बहुत से रिजल्ट हैं जो कि ओपन नहीं हो रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एमएससी प्रीवियस, ठीक है, और इसके बाद में एमएससी प्रीवियस बॉटनी, और इस तरीके से एमए प्रीवियस, इस तरीके से जितने भी रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो सभी रिजल्ट आते हैं आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। लेकिन जब आप यहाँ पर रिजल्ट डाल रहे हैं, यानी कि जब आपने रोल नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर, तो रोल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो रोल नंबर है वो मैच नहीं कर रहा और आपका जो रिजल्ट है वो शो नहीं हो रहा। तो भाई इसका रीजन क्या है, मैं आपको बताऊँ। रीजन ये है, आगरा यूनिवर्सिटी की साइड से पता चला है कि रीजन ये है कि अभी तक आप लोगों के जो रिजल्ट हैं वो फाइनली अपलोड नहीं हुए हैं आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जैसे कि बीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बीएससी सेकंड ईयर या फिर बीएससी थर्ड ईयर, लाइक क्या है कि बीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के कुछ लोगों के प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं और कुछ लोगों के प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं। जैसे कि जो सरकारी कॉलेज हैं उन लोगों के प्रैक्टिकल जल्दी हो जाते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उन लोगों के प्रैक्टिकल थोड़ा लेट होते हैं। तो इसकी वजह से अभी तक प्रैक्टिकल फाइनल ना होने की वजह से जितने भी रिजल्ट्स हैं वो रुके हुए हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइनल हो जाएंगे और जो रिजल्ट्स अपलोड होने हैं उसी के बाद में अपलोड होंगे। यानी कि प्रैक्टिकल के जो रिजल्ट्स हैं आपके, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स जब ऐड हो जाएंगे आपके रिजल्ट में, तब आपका रिजल्ट जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर शो होगा, तभी आप जो अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं कब तक आपके जो प्रैक्टिकल फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएंगे, कब तक आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं वो आपके रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे कब तक। तो गाइस, आपको बता दें कि प्रैक्टिकल के जितने भी जो एग्जाम्स हैं उनके मार्क्स कब तक ऐड होंगे, तो इनके जो मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 दिन और लगेंगे ऐड होने में, ठीक है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं, आज 23 तारीख है, तो 26 तारीख तक फाइनली ऐड हो जाएंगे, 27 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। मैं 27 तारीख एक अंडर लिमिट बता रहा हूँ, अंडर लिमिट, ठीक है। 27 तारीख के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो आगरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आप आसानी से देख सकते हैं, आपके रिजल्ट जो है वो ओपन हो जाएंगे। तो भाई, इस वजह से आप जो है दिक्कत ना लें कि आपके रिजल्ट क्यों अपलोड नहीं, क्यों ओपन नहीं हो रहे, क्यों शो नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास और हर कमेंट में उनसे यही कहा जा रहा है कि सर प्लीज बताइए हमारे जो रिजल्ट है वो ओपन नहीं हो रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। तो रीजन यही कि आपके रिजल्ट अभी तक जो है वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए हैं फाइनली, ठीक है। और आप इससे जो है टेंशन ना लें कि आपका रोल नंबर गलत है, रोल नंबर गलत नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत ना लें, आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। मैं सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी एमए या फिर एमएससी या फिर बीएससी जितने भी रिजल्ट हैं वो सब 27 तारीख तक जो है अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे और आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में, गाइस, ठीक है। गाइस, अब गाइस एक दूसरी पॉइंट की बात करता हूँ कि अगर आप लोग ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना चाहते हैं, एम फिल, एम एस सी, एम एड, बी टेक या फिर अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी के लिए भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अपना अलग चैनल बना रखा है ऑल यूनिवर्सिटी रिपोर्टर के नाम से। आप वहाँ पर जाएं, उस चैनल पर डायरेक्टली विजिट करें यूट्यूब पर। अगर आप यूट्यूब पर नहीं जाते तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस चैनल के फर्स्ट नंबर पर, आप उस चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको सभी तरीके के एडमिशन पता चल जाएंगे, किस तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितनी फीस जाएगी, एप्लीकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, सारी चीजें वहाँ पर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग, एडमिशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलती रहेगी गाइस। तो आप उस चैनल पर जरूर विजिट करें। और आपको वीडियो आज की अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके यहाँ वीडियो को यहाँ से शेयर करा, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक अपलोड होंगे और कब तक आप जो रिजल्ट देख सकते हैं। तो क्या मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।